आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की संभावनाएं बढ़ने लगी हैं। दरअसल कच्चे तेल की कीमतें तेजी के साथ नीचे आ रही हैं। स्थिति ये है कि क्रूड इस हफ्ते 10% के नुकसान के साथ बंद होने की स्थिति में पहुंच गया है। कल ही यूके के केंद्रीय बैंक ने देश में साल के अंत तक मंदी की आशंका जताई है। वहीं चीन में भी औद्योगिक गतिविधियां सुस्त हो रही हैं, इससे कच्चे तेल की मांग पर असर पड़ने की आशंका है। वहीं अमेरिका में तेल के स्टॉक बढ़ने से भी इस आशंका को बल मिला है, जिससे कीमतों में गिरावट आई है। आज कच्चे तेल की हल्की बढ़त देखने को मिली है, हालांकि इसके बाद भी ब्रेंट क्रूड $95 प्रति बैरल से नीचे ही है। अब तक के कारोबार में ब्रेंट 93.6 से 94.57 के स्तर के नीचे में रहा है। ब्रेंट क्रूड ने $95 से नीचे का स्तर रूस यूक्रेन संकट के शुरू होने से पहले देखा था। वहीं दूसरी तरफ WTI क्रूड $90 प्रति बैरल के स्तर से नीचे आ गया है। बाजार के मुताबिक फिलहाल बाजार मांग में कमी से जूझ रहा है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक दरों में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिससे आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार सुस्त होने लगी है। अमेरिका में इस हफ्ते तेल के स्टॉक में अप्रत्याशित रूप से बढ़त देखने को मिली है, जिससे संकेत है कि मांग में लगातार कमी आ रही है। क्रूड कीमतों में गिरावट का सबसे पहला असर तेल कंपनियों के नुकसान में कमी के रूप में होगा। तेल कंपनियां अभी भी हर लीटर की पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर ऊंचा नुकसान उठा रही हैं। अगर कच्चा तेल इन स्तरों से नीचे बना रहता है तो संभव है कि कंपनियां नुकसान से बाहर निकले और आम लोगों को क्रूड में इस गिरावट का फायदा दे। बाजार के जानकार पहले ही अनुमान दे चुके हैं कि मौजूदा स्थिति में तेल में 3 से 5 रुपए की कटौती की संभावना बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीम। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।